अब बस कुछ कष्ट बने हुए गुरु जी। आपने इसलिए कष्ट बने हैं कि महावन नहीं किया दरबार का, जो महावन नहीं कर पाए, निःशुल्क होता है, इसको तुरंत करिए अगर कष्टों से बाहर आना है, तुरंत महावन करिए, नहीं तो कष्ट बने ही रहेंगे ये। और कोई उपाय नहीं हटाने का उनको, क्योंकि वो असाध रोगों की स्मृतियां हैं, मृत्यु देने वाली, बहुत, इसलिए तत्काल कल करिए महावन पहला काम। गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा। चरणों में बाबा माता को मैं और मेरे माता पिता की तरफ से अनंत कोटि प्रणाम गुरुदेव। प्रसन्न रहो बेटा। से गुरुदेव खूब खुश हो बेटा, बताइए। दरबार से जुड़ने के बाद गुरुजी हम बहुत स्वस्थ है, मैं और मेरे माता पिता भी। अब बस कुछ कष्ट बने हुए गुरुजी। आपने इसलिए कष्ट बने हैं कि महावन नहीं किया दरबार का, जो महावन नहीं कर पाए, निःशुल्क होता है, इसको तुरंत करिए अगर कष्टों से बाहर आना है, तुरंत महावन करिए, नहीं तो कष्ट बने ही रहेंगे ये। और कोई उपाय नहीं हटाने का उनको, क्योंकि वो असाध रोगों की स्मृतियां हैं, मृत्यु देने वाली, बहुत, इसलिए तत्काल कल करिए महावन पहला काम। स्लिप ले लीजिए, आपको स्लिप मिलेगी अभी, कल प्रातः काल करिए। मुझे कुछ बातें पूछना है गुरुजी। पूछ लो गुरुजी। मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुए थे तो मेरा नाभि में काटा गया है गुरुजी, तो दरबार से जुड़ने की बात ही मुझे पता चला कि मतलब नाभि का महत्व क्या है गुरुजी। तो उसके बाद मेरा विल पावर जैसे पूरा वीक हो गया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ गुरुजी। बोला ना महावन करो बेटा, वो कुछ भी बताओगे वो असाध रोग की स्मृति रहेगी तो बेटा हिट करती रहेगी, है ना, स्मृतियां हिट करती हैं बेटा, तो कल महावन करिए। खुश गुरुदेव। और दो तीन बातें पूछना है हमारे पितरों के गुरुदेव, बस दो सवाल हमारे पितरों के गुरुदेव। हमारे घर के सामने मंदिर बना हुआ है, जगन्नाथ जी का मंदिर, तो गुरुदेव वो मुझे लगता है कि बोलो ठीक से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है गुरुदेव, तो मेरे पापा तो वहाँ पे जाते हैं, मैं और मेरे मम्मी नहीं जाते हम, तो मतलब हमारी समाज की हमें करना भी पड़ता है गुरुजी, हमें समाज दूर रहना है। और गुरुदेव मेरे घर की प्लॉट में ही एक मतलब बड़ा सा साइड में पीपल वृक्ष है, बड़ा सा 300-400 साल पुराना, तो क्या होता है उससे बना रहे हमारी प्लॉट में ही बाबा गुरुजी मेरे पिताजी ने वहाँ पे थोड़ी सी जमीन दान कर दी है, वहाँ पे काली मंदिर बना हुआ है, तो मुझे लगता है अब जरा हम सार्वजनिक बात बेटा नहीं कर पाएंगे। अगर तुम सही में वाकई में देवी देवता की आप लोग पूजा कर रहे होते तो कष्टों में नहीं होते, एक ही लाइन की बात करना चाहेंगे, ठीक है, बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियों की पूजा करना नरक में जाने के बराबर, बचिए, खुश रहिए, इसीलिए कैंसर बढ़ रहा है, इसीलिए कैंसर भरा पड़ा है गलत पूजा पाठ के कारण।